दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 14 जनवरी 2024 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज दिन भर में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सभी अपडेट्स को वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज को लेकर, जहां पर तीन मैचों की T20 सीरीज के पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने रोमांचक अंदाज से जीत दर्ज करके फिलहाल इन तीन मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से लीड हासिल कर रखी है। इस सीरीज का दूसरा T20 मैच हमें आज भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से इंदौर के स्टेडियम से लाइव देखने को मिलने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये मैच होने वाला है। इस सीरीज के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए इस मैच में दोनों ही टीमों के लिए जीत काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पर भारतीय टीम इस मैच को जीतती है तो टीम इंडिया सीरीज को अपने नाम कर लेगी। वे अगर अफगानिस्तान की टीम जीत के साथ कमबैक करती है तो वही तीसरा T20 मैच हमें आज फाइनल यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस शानदार मैच के आगाज से पहले इस मैच को लेकर दो तीन बड़े बड़े अपडेट्स ब्रेकिंग न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है। चलिए वन बाय वन हम बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स के बारे में। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट को लेकर। जी हां, इंदौर की लेटेस्ट पिच रिपोर्ट यहां पर रिवील हो चुकी है। पिच का फर्स्ट लुक आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे और इस पिच के आंकड़े बिल्कुल यही बोल देंगे, यहां पर थोड़ा सा फ्लैट, थोड़ा सा सपाट विकेट है जिसके चलते रनों की बारिश यहां पर होती है, बाउंड्रीज की थोड़ी सी छोटी है, जिसके चलते एक हाई स्कोरिंग मैच हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेसर्स के लिए। मतलब थोड़ी सी मदद यहां पर जरूर रह सकती है, लेकिन भी ओवरऑल यहां पर गेंदबाजों के लिए काफी कम चीजें हैं, बल्लेबाज हम यहां पर टोटली डोमिनेट करते नजर आने वाली हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है यशस्वी जायसवाल को लेकर। जी आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगा कि पहले T20 मैच में टीम इंडिया के ओपनिंग प्लेयर के लिए उनको यहां पर कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन अचानक मैच से पहले ग्रोइन इंजरी का वो शिकार हो गए थे। लेकिन फाइनली गुड न्यूज यहां पर आप सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए निकल कर आ रही है, जहां पर सेकंड T20 मैच से पहले यशस्वी जायसवाल अपनी इंजरी से बिल्कुल पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं और सेकंड T20 मैच में डेफिनेटली प्लेइंग 11 में सिलेक्शन के लिए भी अवेलेबल होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है उन बड़े बदलाव को लेकर जो हमें सेकंड T20 मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यहां पर 3-4 बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े बदलाव हमें यहां पर देखने को मिलने वाले, जहां पर सबसे पहले आपके विराट कोहली यहां पर टीम के साथ जुड़ चुके हैं। डेफिनेटली सेकंड T20 मैच में हमें प्लेइंग 11 में भी देखने को लेंगे, किसको बाहर किया जाएगा यह फिलहाल अभी सस्पेंस है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोर्सेज यहां पर ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि संजू सैमसन एज विकेट कीपर बैटर हमें सेकंड T20 मैच में भारत की प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाली है। एक एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ यहां पर भारतीय टीम उतरने वाली है। आवेश खान हमें प्लेइंग 11 में अपना कमबैक करते नजर आएंगे। वॉशिंगटन सुंदर को इस मैच से रेस्ट पर रखा जा सकता है। यशस्वी जायसवाल के प्लेइंग 11 में सिलेक्शन को लेकर अभी भी थोड़ा सा सस्पेंस यहां पर बरकरार जरूर है। तो चलिए फटाफट इस मैच के लिए, शानदार सेकंड T20 मैच के लिए टीम इंडिया की बेस्ट परफेक्ट प्लेइंग 11 के ऊपर हम नजर डाल लेते हैं। तो भाई शानदार मैच में मेरे मुताबिक टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे यहां पर डेफिनेटली कप्तान साहब रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल होंगे। जायसवाल को लेकर कोई रिस्क यहां पर टीम इंडिया लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि उनको टेस्ट सीरीज में भी खिलाना है, जिसके चलते इस मैच से भी उनको रेस्ट पर मेरे ख्याल से रखा जाएगा। नंबर 3 पर हमें किंग कोहली विराट कोहली प्लेइंग 11 में कमबैक करते हुए नजर आने वाले हैं। नंबर 4 पर पिछले मैच के हीरो शिवम दुबे हमें देखने को मिलेंगे। नंबर 5 पर संजू सैमसन भारत के प्लेइंग 11 में हमें अपना कमबैक करते यहां पर नजर आ सकते हैं। नंबर 6 पर डेफिनेटली T24 मैच के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर रिंकू सिंह यहां पर होंगे। नंबर 7 पर हमें अक्षर पटेल देखने को मिलेंगे। नंबर 8 पर हमें रवि बिश्नोई देखने को मिलेंगे। नंबर 9 पर हमें आवेश खान देखने को मिलेंगे। नंबर 10 पर होंगे हरदीप सिंह और नंबर 11 पर हमें मुकेश कुमार देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे मुताबिक तो कुछ ऐसी होने वाली शानदार मैच के लिए भारत की परफेक्ट प्लेइंग 11, लेकिन आपके मुताबिक इस मैच में क्या होगी भारत की प्लेइंग 11 आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है IPL 2024 को लेकर, जहां पर IPL को लेकर लगातार काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स हमें रेगुलरली रोजाना देखने को मिल रहे, जिनको हम रेगुलरली अपने चैनल पर कवर भी कर रहे हैं और ऐसे में यहां पर आई
आईपीएल 2024 के शेड्यूल को लेकर आप सभी आईपीएल फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, जहां पर बीसीसीआई की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक तो ऐसा ही बताया जा रहा है कि 22 मार्च 2024 से आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन का आईपीएल 2024 का आगाज होने वाला है। पहला मैच हमें चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस टीम चेन्नई की होम ग्राउंड में यहां पर देखने को मिलेगा और शेड्यूल को लेकर नया अपडेट यहां पर खुद बीसीसीआई ने रिवील किया है। बीसीसीआई ने खुद यह कंफर्म कर दिया है कि भाई जब यहां पर भारत में साल 2024 में होने वाले इलेक्शंस की डेट्स को डिसाइड कर लिया जाएगा उसके जस्ट बाद यहां पर आपका आईपीएल का पूरा शेड्यूल हमें देखने को मिल जाएगा। तो भी ऐसे में यहां पर जो टेंटेटिव डेट के बारे में बात करते हैं तो सेकंड वीक या फिर थर्ड वीक ऑफ फरवरी 2024 तक हमें आईपीएल का पूरा शेड्यूल देखने को मिलने वाला है। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि टेंटेटिव शेड्यूल फिलहाल बीसीसीआई ने रेडी कर रखा है और भी वो हमें इंटरनेट पर भी काफी जगहों पर देखने को मिला है, उसको हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके उस टेंटेटिव शेड्यूल को बिल्कुल अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 के रिगार्डिंग ही ट्रेड विंडो को लेकर। जी हां, आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि फिलहाल आईपीएल 2024 की सेकंड ट्रेड विंडो चालू है और उसकी डेडलाइन के ऊपर हमें बीसीसीआई की तरफ से अपडेट देखने को मिल चुका है, जहां पर यह कंफर्म किया जा चुका है कि भाई 22 फरवरी 2024 या फिर 24 फरवरी 2024 तक आईपीएल की सेकंड ट्रेड विंडो चालू रहने वाली है। लेकिन इसी बीच हमें आईपीएल का एक और बड़ा ट्रेड महा ट्रेड देखने को मिल सकता है, जहां पर कल शाम को ऐसे रूमर्स निकल कर आए हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एक ट्रेड को लेकर आपस में डिस्कशंस में है। और भाई वहां पर वो बोलते हैं ना कि सोर्सेज क्लेम कर रहे कि आंड्रे रशल को लेकर ये दोनों फ्रेंचाइजी आपस में बात कर रही हैं। और हमें कुछ टाइम पहले भी ऐसी खबरें देखने को मिली थी कि भाई आंड्रे रशल नेक्स्ट एडिशन के लिए आपकी टीम केकेआर को छोड़कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले भी हमें ऐसे रूमर्स देखने को मिले थे, एक बार फिर से ऐसे रूमर्स निकल कर आए, तो भाई कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक और महा ट्रेड हमें यहां पर आईपीएल का देखने को मिल जाए। लेकिन आप क्या चाहते हैं, क्या यह ट्रेड होना चाहिए, क्या एंड्रे रशल को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का साथ छोड़कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को ज्वाइन कर लेना चाहिए, इसके ऊपर आपके क्या पर्सनल ओपिनियंस, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आपकी बिग बैश लीग को लेकर। जी हां, कल बिग बैश लीग में सीरियसली काफी सारी बड़ी बड़ी चीजें हमें देखने को मिली। आपके आरोन फिंच ने अपना बिग बैश करियर का लास्ट मैच खेला, जहां पर डक आउट हुए थे, स्मिथ भी डक आउट हुए थे, लेकिन वार्नर ने तो सीरियसली यहां पर बड़ा इतिहास रच दिया। जी हां, वार्नर ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जो अभी तक कोई भी यहां पर करके नहीं दिखा पाया। जी हां, आपको बताना चाहूंगा कि वार्नर यहां पर डायरेक्ट हेलीकॉप्टर के जरिए ग्राउंड में लैंड हुए थे और भाई वहां पर मतलब जिस वक्त पर सभी खिलाड़ी आपके प्रैक्टिस में बिजी थे, उस वक्त पर एक हेलीकॉप्टर ग्राउंड के बीच में उतरता है। वहां पर डेविड वार्नर के हेलीकॉप्टर के जरिए एक मैच में एंट्री हुई थी। सीरियसली मैं तो पर्सनली ऐसा ही बोलूंगा कि भाई बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल मतलब ऐसा इवेंट हमें देखने को मिला जिसके बारे में हमने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था। तो भाई सीरियसली एक बहुत ही अमेजिंग चीज है जो हमें बिग बैश लीग के कल वाले मैच के दौरान देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है भुवनेश्वर कुमार को लेकर, जहां पर भाई आप सभी लोगों को पता है कि भुवनेश्वर कुमार को उस तरह से इग्नोर किया जा रहा है कि मतलब जिस तरह से छोटी छोटी चीजों को इग्नोर किया जाता है, जी हां, जिस तरह से थोड़ा सा गलतियों की तरफ मतलब छुपाया जाता है, उस तरह से भुवनेश्वर कुमार की परफॉर्मेंस को भी छुपाया जा रहा है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार हर बार निखर कर सामने आते हैं, लगभग 6 साल के इंतजार के बाद वो हमें रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में व्हाइट बोर्ड क्रिकेट में खेलते नजर आए और भाई जैसे ही इन्होंने इतिहास यहां पर रच के दिखा दिया। भाई आपको पता है यूपी वर्सेज बंगाल के जो मैच चल रहा था, यूपी की टीम वो खेलते हैं और भाई उन्होंने वहां पर बड़ा इतिहास रच दिया अपने कमबैक मैच में, 8 बड़े विकेट यहां पर भुवनेश्वर कुमार ने ले लिए, जिसके बाद भाई वही बड़े सवाल कि क्या भुवनेश्वर कुमार का यहां पर कमबैक हो सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआती 2 टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के खिलाफ टीम का ऐलान हो चुका है, लेकिन अंतिम 3 टेस्ट मैचों के लिए अभी भी यहां पर काफी सारे खिलाड़ी रडार में है, पुजारा का नाम वहां पर है और भाई हो सकता है भुवनेश्वर कुमार भी इस परफॉर्मेंस के बलबूते पर या फिर अपकमिंग मैचेस के परफॉर्मेंस के बलबूते पर हमें टीम इंडिया में फिर से कमबैक करते नजर आए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भुवनेश्वर कुमार को भारतीय टीम में एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 की डेट्स को लेकर। जी हां, डेट्स को लेकर लगातार हमें अपडेट्स यहां पर देखने को मिल रहे थे कि भाई 22 मार्च या फिर 24 मार्च इन दोनों में से किसी एक तारीख से आईपीएल का आगाज हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली फिलहाल ऐसे चांसेस हैं कि 22 मार्च 2024 से आईपीएल का आगाज होगा, जहां पर डे वन में हमें डबल हेडर यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको पता है एक बड़ी मुसीबत यहां पर बीसीसीआई के सामने है और वो मुसीबत है भारत में साल 2024
2024 में होने वाले जनरल इलेक्शंस या इलेक्शंस की डेट्स यहाँ पर आईपीएल की डेट्स के साथ कोलैप्स कर रही है, जिसके चलते अलग अलग तरह के अपडेट्स यहाँ पर होस्टिंग को लेकर देखने को मिले हैं। श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बीसीसीआई को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा है, जहां पर उन्होंने ऐसा बोला कि जिस वक्त पर भारत में इलेक्शन होंगे उस वक्त के आईपीएल के जितने भी मैचेज उनको आप श्रीलंका में होस्ट कर सकते हैं, आपको बहुत ही बेटर बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पर देंगे। लेकिन बीसीसीआई तो भाई फिलहाल ऐसा ही चाहता है कि पूरा का पूरा एडिशन हमें भारत में ही देखने को मिले। खैर दोस्तों, फिर भी किसी भी टाइप का कोई भी नेक्स्ट अपडेट फर्दर अपडेट हमें आईपीएल 2024 की होस्टिंग के रिगार्डिंग देखने को मिलता है तो अपडेट आपको डेफिनेटली सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर। जी हां, 1 जून से 29 जून के बीच यह शानदार टूर्नामेंट हमें दो कंट्रीज में वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलने वाला है। और फिलहाल दोनों ही देशों ने T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है, क्योंकि भी आपको पता है न्यूयॉर्क स्टेडियम इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच होगा। न्यूयॉर्क के जो स्टेडियम उसको यहां पर फिलहाल काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि भाई बिल्कुल भी कंडीशन वहां पर ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि वहां पर इंडिया वर्सेज पाकिस्तान होस्ट किया जा सकता है, जिसके चलते सीनेरियोज यहां पर हमें अलग अलग तरह के जरूर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर स्क्वाड सिलेक्शन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर आईसीसी ने कंफर्म कर दिया कि सेकंड वीक ऑफ अप्रैल 2024 से पहले आपके यहां पर T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही 20 की 20 टीमों को अपने स्क्वाड्स के पूरे नामों की लिस्ट यहां पर आईसीसी को सौंपनी पड़ेगी। जी हां, डेडलाइन डेट यहां पर आ चुकी है भाई। अब सिलेक्शन मतलब थोड़ा सा आईपीएल के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है। आईपीएल के शुरुआती वीकों में जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस करते हैं उसके बलबूते पर भी टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स में खिलाड़ी को यहां पर चांसेस मिल सकते हैं। खैर दोस्तों, आने वाले 1-2 दिनों के अंदर आपको टेंटेटिव स्क्वाड्स के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो अपने चैनल पर देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारतीय टीम की अगली सीरीज को लेकर, जहां पर आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आएगी। भारत और इंग्लैंड आपस में 5 मैचों की बहुत ही जबरदस्त बहुत ही बड़ी सीरीज खेलने वाले हैं। सीरीज का पूरा कार्यक्रम ऑलरेडी आधिकारिक तौर पर रिवील हो चुका है, और वही फाइनली यहां पर मतलब शुरुआती 2 टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ बीसीसीआई ने भी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। स्क्वाड सीरियसली काफी अमेजिंग है, लेकिन लाइव टेलीकास्ट को लेकर बड़ा अपडेट सबकी बार ना तो स्टार स्पोर्ट्स कवर कर रहा है ना यहां पर सोनी टीवी कवर कर रहा है। जी हां, वाइकोमिटिन कंपनी का चैनल स्पोर्ट्स 18 चैनल पर हमें इस पूरी टेस्ट सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। और यदि आप मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री में 4K क्वालिटी में हमें इस शानदार टेस्ट सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। और भाई काफी लंबे इंतजार के बाद एक 5 बड़े टेस्ट मैचों की सीरीज हमें यहां पर देखने को मिलेगी। खैर दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट्स जैसे यहां पर निकल कर आते हैं तो अपडेट्स आपको डेफिनेटली सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों, यहां दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के जुड़े बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।